हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज मैं आपके लिए दो बहुत एंटिसिपेटेड कार्स लेके आई हूँ। एक है हमारी महिंद्रा थार, दूसरी है हमारी मारुति जिम्नी। दोनों गाड़ियाँ ज़बरदस्त हैं। इस कार की वेटिंग आज तक भी ज़बरदस्त मेंटेन हुई भी है और इस कार का क्रेज़ भी नेक्स्ट लेवल है। दोनों गाड़ियों में बिल्कुल भी हम बोले ना कि यार वेटिंग के मामले में क्या, तो इसकी डिलीवरी भी आपको बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली और इसकी तो मिल ही नहीं रही है। तो वहीं पर हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि यार हम कौन सी कार को खरीदें, या तो महिंद्रा थार की तरफ जाएंगे या फिर मारुति जिम्नी, कौन सी बेटर है, किसको करेंगे हम दिल से कबूल, किसको कर देंगे सिरे से नकारा। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार के डिजाइनिंग की। जो हमारी जिम्नी है, इसका डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे ये 5-spoke डिज़ाइन आपको मिल जाता है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फॉग लैम्प आपको मिल जाते हैं, ये रिफ्लेक्टर्स है। फ्रंट प्रोफाइल कार का कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर मैं फ्रंट से विड्थ की बात करती हूँ इस कार की, तो थार हमारी जिम्नी से 175 mm ज़्यादा ब्रॉड है। डिज़ाइनिंग की अगर हम लोग बात करें इस कार में, तो देखिए मैंने अपनी कार में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा रखा है, बहुत मेजर तो नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस हैं। आपको सिंपल सा ग्रिल स्ट्रक्चर मिल जाता है, फॉग लैंप्स आपको इसमें भी दिए हुए हैं, और फ्रंट प्रोफाइल दिखता है महिंद्रा थार का कुछ ऐसा। मेरी कार का मत देखिए, आप ये पिक्चर देखिए जहाँ पर महिंद्रा थार आपको फ्रंट प्रोफाइल से दिखाई दे रही है ऐसे। और अगर मैं बात करूं कि गाड़ी मुझे कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, फ्रंट लुक में कौन सी कार ज़्यादा स्कोर करती है, तो फ्रंट लुक मेरी तरफ से ज़्यादा स्कोर करवाते हैं हम महिंद्रा थार को, क्योंकि इसका थोड़ा बल्की लुक है, थोड़ा माचो लुक है, जो मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद है। ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड लगती है, थोड़ा सिंपल डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा लगती है, तो ये कार उन लोगों के लिए है। और जो थोड़ा ज़्यादा यू नो टशनी सी कार और बिल्कुल मस्कुलर सी कार के शौकीन है, ये कार उनके लिए है। चलिए अब चलते हैं साइड पर। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, तो सुजुकी जिम्नी का प्रोफाइल आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर 15-inch अलॉय व्हील्स का यूज़ किया गया है। इस कार में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक आपका है अल्फ़ा जो टॉप वेरिएंट है ये वाला, और एक इससे लोअर वेरिएंट भी है जो है हमारा जेटा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस कार की लेंथ की, तो यहाँ जिम्नी की लेंथ और थार की लेंथ बिल्कुल बराबर है। वहाँ पे कोई भी गाड़ी ज़्यादा लंबी नहीं है, दोनों गाड़ियों की लेंथ बराबर है। हाइट की अगर मैं बात करती हूँ, तो ऑफ़ कोर्स जो हमारी जिम्नी है उसकी हाइट 135 mm कम है एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा थार। लेकिन एक और यहाँ पर जो चीज़ हमें नोटिस में आती है वो है ये कि जिम्नी हमें अभी मिलती है 5-door में, और जो कार के अंदर आप एंट्री करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। थार में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है बिकॉज ऑफ हाइट, टायर का साइज़ भी ज़्यादा है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm और वहाँ पर आपको मिलती है 226 mm, तो वो थोड़ा सा गैप आ जाता है, थोड़ा टायर का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है जिम्नी के अंदर। आप आगे बैठना चाहते हैं, आप पीछे बैठना चाहते हैं, हर जगह से आपकी फैमिली बहुत इजीली एंटर करेगी कार के अंदर। महिंद्रा थार की वहीं पे अगर हम लोग सिटिंग की बात करें, तो देखिए फ्रंट में तो आप आराम से बैठ ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाइट की वजह से थोड़ा सा मैंने बोला कि आपको ग्रैब हैंडल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है उसमें। और अगर आपको पीछे आना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है उस गाड़ी के अंदर, कि अगर कोई लेडी है उन्होंने साड़ी वगैरह पहन रखी है तो बहुत बड़ा टास्क बन जाता है पीछे आना। ओल्ड एज में आपके पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो उस चीज़ में हम स्कोर ज़्यादा देंगे जिम्नी को कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर हम बोले ना फैमिली कार के टर्म्स में बात करें, तो वहाँ पर जिम्नी आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी कार के अंदर का कंफर्ट और सिटिंग वगैरह को देखते हुए। और जो चेंज आप देखेंगे वो देखिए, रिक्वेस्ट सेंसर आपको जिम्नी में ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड दोनों साइड मिलते हैं, जो आपको महिंद्रा थार के अंदर नहीं मिलने वाले। ऊपर भी अगर हम लोग बात करते हैं रूफ़ की, तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन नहीं है, जो महिंद्रा थार में हम लोग मज़े करते हैं ना कि हम अपने रूफ़ को हटा सकते हैं, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यस, ड्यूअल टोन का ऑप्शन आपको मिल जाता है जिम्नी में भी, और थार के अंदर तो है ही। यहाँ पे आपके पास 5 सिंगल कलर ऑप्शन है जिम्नी के अंदर, और 2 आपके पास ड्यूअल कलर ऑप्शंस हैं जो हैं ये। एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो महिंद्रा थार का आपका रूफ है, जो आपका ये टॉप है, वो आपका फाइबर या प्लास्टिक नॉट श्योर, लेकिन यह जो बॉडी जिससे बनी है उस चीज़ का नहीं है वो, तो उसकी वजह से, क्योंकि जिम्नी में ये इसी का ही ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, इसी को सिर्फ कलर चेंज किया गया है, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको पता चलेगा NVH लेवल में। जो हम कैबिन साउंड की बात करते हैं, इस कार के अंदर आपको NVH लेवल बहुत कम मिलेंगे, कार के अंदर साउंड बहुत कम आता है एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा थार। अब अगर हम साइड प्रोफाइल के लुक की बात करते हैं, तो देखिए ये गाड़ी आपको महिंद्रा थार के कंपैरेटिवली, अगेन डिज़ाइनिंग में अगर मैं बात करूँ, देखिए वहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता, डिज़ाइनिंग में हमारी महिंद्रा थार ही विनर है।
है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम लोग चाहे टायर्स की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, वो हर चीज़ आपको ना बहुत बड़ा बल्कियर दिखाई देती है, अग्रेशन प्रोवाइड करती है, गाड़ी ना थोड़ी ज़्यादा माचो लगती है। यहाँ पर हर चीज़ सोफेस्टिकेटेड है। अगर मैं उसके टायर साइज़ की बात करूँ, वहाँ पे 18 इंच के टायर हैं, यहाँ पर आपके 15 इंच के टायर हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क तो आपको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस कार में अगर आप ऑफ रोडिंग ये भी बहुत अच्छे कर देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गाड़ी को अग्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आपको ये अलॉयज वगैरह चेंज कराने पड़ेंगे। अब महिंद्रा थार का साइड प्रोफाइल देखिए, जो मैंने आपको बताया, इसमें भी स्टॉक टायर ही लगे हुए हैं और इनके अलॉयज का डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। आपको मैंने बताया कि 18 इंच है, यहाँ पर आपको स्टेप पैडल मिल जाता है जो जिमनी में आप मिस करने वाले हैं। बाकी थोड़ा सा बस मैं बोल रही हूँ ना कि डिज़ाइनिंग में ये थोड़ी सी अग्रेसिव है यार, ज़्यादा काफ़ी ह्यूज लगती है ये, मतलब इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी। आज ये चलते हैं कार के बैक प्रोफाइल पर। बैक से अगर हम बात करते हैं दोनों कार्स की, तो देखिए ये हमारी जिमनी है, ये हमारी थार है। आपको मैंने हाइट का फ़र्क तो बताई दिया और आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख भी रहा होगा कि ये गाड़ी मेरी ही हाइट के बराबर है, आई एम 5'5" और ये कार मुझसे काफ़ी ऊपर है। तो मैंने आपको बताया कि हाइट में अराउंड 135 mm ज़्यादा है हमारी महिंद्रा थार। बैक से टायर की वजह से, क्योंकि इसका टायर बड़ा है, थोड़ा ह्यूज है, उसका ज़्यादा अट्रैक्शन आपको मिलने वाला है। मेन अट्रैक्शन अगर हम बैक से नोटिस करते हैं वो हमारा साइज़ का ही है, जो इस कार में अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। चलिए ये बात हो गई कार के एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग की, जहाँ पर हमने आई थिंक आपको काफ़ी क्लैरिटी दे दी है। गाड़ियाँ आपको दिख ही रही हैं, मेरे बताने से ज़्यादा तो आप अपनी आँखों का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी से पता चल रहा है कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा स्मार्ट लगती है। अब आते हैं हम इनकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। देखिए मैंने इसकी भी फुल ऑन ऑफ रोडिंग की है, बहुत ज़्यादा हर टेरेन के अंदर हमने इसको चलाया है, हम इसको रिवर के अंदर लेके गए हैं, हम इसको माउंटेंस के ऊपर लेके गए हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर हमने इसे चढ़ाया है, हमने इसका डिपार्चर एंगल चेक किया, अप्रोच एंगल चेक किया है, हर चीज़ को चेक किया हुआ है। और इसकी ऑफ रोडिंग तो मैंने आपसे आई थिंक मुझे याद नहीं कितनी वीडियो शेयर कर रखी है थार की। तो यहाँ पर तो आप अपने दिमाग से ये कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी ऐसी है जिसे मैं बोलूँ कि यार ये इससे ज़्यादा अच्छी ऑफ रोडिंग कर देती है या ये इससे ज़्यादा कर देती है। दोनों गाड़ियाँ इस चीज़ में फुल ऑन स्कोर करती है कि ऑफ रोडिंग के मामले में आप इन दोनों कार से कहीं पर भी निराश नहीं होने वाले। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एंगल ऑफ डिपार्चर। महिंद्रा थार का एंगल ऑफ डिपार्चर इज 36 डिग्री और जिमनी का एंगल ऑफ डिपार्चर हमारा 50 डिग्री है। एंगल ऑफ डिपार्चर होता है हमारा ये पर्टिकुलर एंगल, ये जो होता है ना जब आप गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हैं, तो जब ऊपर चढ़ाएंगे किसी भी स्लोप के ऊपर आप, तो पीछे से लगने के कितने चांसेस हैं उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर। जितना ही आपका ज़्यादा होगा उतने ही आपकी पॉसिबिलिटी कम है कि गाड़ी आपकी टच होगी पीछे से। नेक्स्ट हमारा आता है अप्रोच एंगल। अप्रोच एंगल महिंद्रा थार में आपको मिलता है 41.2 डिग्रीज का, जिमनी के अंदर वो है आपका 36 डिग्रीज का। अप्रोच एंगल होता है जब आप गाड़ी को ऐसे करके चढ़ाते हैं, कोई पत्थर वत्थर आ रहा है ये आ रहा है, तो वो गाड़ी से कितना टच होने की पॉसिबिलिटी है वो होता है हमारा अप्रोच एंगल। तो उसके अंदर हमारा महिंद्रा थार का एंगल ज़्यादा है। तो आप समझ गए, डिपार्चर एंगल की बात करेंगे तो वहाँ ये हमारी विनर है, अप्रोच एंगल की बात करेंगे तो ये हमारी विनर है। तीसरी चीज़ हमारी आती है रैंप ब्रेक ओवर एंगल। रैंप ब्रेक ओवर एंगल है आपका ये, जब आपकी गाड़ी किसी उस पर गई है हाइट पे और जो बीच का जो एंगल हमारा बनता है, जो आप गाड़ी के सेंटर में आप कह लीजिए थोड़ा सा आगे, मतलब इस वाले पार्ट में जो हमारा एंगल क्रिएट होता है वो होता है हमारा रैंप ब्रेक ओवर एंगल, जो आपको जिमनी में मिलता है 24 डिग्रीज और महिंद्रा थार में मिलता है 26 डिग्रीज। तो 2 डिग्री ज़्यादा है महिंद्रा थार के अंदर आपका जो सेंटर वाला हमारा रैंप ओवर एंगल होता है। ये सारी बातें हो गई हमारी बाहर से और हमने ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस किया यहाँ पर। अब चलते हैं हम कार के इंटीरियर में और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने नए प्रोडक्ट से, दैट इज़ जिमनी। जिमनी के अंदर इस टाइम पर हमने काफ़ी सारे बैग्स रखे हुए हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा कितने आराम से हम आप यहाँ पे सामान रख पा रहे हैं, सामान को निकाल पा रहे हैं। सिंगल डोर है हमारा, बिग साइज़ डोर है और इस तरीके से आप यहाँ पे काफ़ी सारा आपको स्टोरेज मिल जाता है। बूट स्पेस मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको बताया कि दोनों कार की लेंथ बराबर है, लेकिन तब भी आप नोटिस करेंगे कि इसका बूट स्पेस ज़्यादा कैसे है। इसका बूट स्पेस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो हमारे इसमें सीट्स का साइज़ है उसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है, तो उसकी वजह से आपका अच्छा खासा बूट स्पेस क्रिएट हो गया है। आपको एक बार थार का भी दिखा देती हूँ मैं। थार में आप देखेंगे, सॉरी मेरी कार में सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, तो आपकी ओपनिंग होती है कुछ इस तरीके से और आपको इतना सा बूट स्पेस मिलता है। मैंने यहाँ पे सब वूफर लगवाया था तो उसके बाद देख लीजिए मेरे पास कितना सा स्पेस बच गया, और जब ये नहीं भी था तब भी इतना ज़्यादा कुछ खास स्पेस नहीं था यहाँ पे। तो बूट स्पेस तो नो डाउट जिमनी का आपको ज़्यादा मिलेगा। और ये दो पार्ट में आपका खुलता है,
अब आ जाते हैं कार के रियर पे। थार के रियर की तो मैं बात ही क्या करूँ, क्योंकि अभी फाइव डोर थार हमारी आई नहीं है, और जब वो आएगी तो वो इतने ज़्यादा प्राइस में आएगी तो मुझे लगता नहीं उस टाइम हम इसको जिमनी से कंपेयर कर भी पाएंगे। यहाँ पर आपके पास डोर नहीं है, तो आपको अगर जाना है पीछे तो आपको अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको इस तरीके से अपनी सीट को आगे की तरफ आप मूव करेंगे और फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे मेरा लगेज दिखाई दे रहा होगा, ये लगेज हमने इसलिए रख रखा है क्योंकि जो मेरा बूट है उसमें उसको रखने की जगह नहीं है, तो हमें जहाँ जगह मिली जो सीट पे ही मिली हमें वहाँ हमने इसको रख दिया है। और अगर आपको इसके अंदर जाना है तो आप इस तरीके से और फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे जाओगे, जिसमें आपको कई बार सर लग जाता है ऊपर, पेरेंट्स तो बेचारे चढ़ नहीं पाते हैं, तो उसी के लिए महिंद्रा थार हमारी फाइव डोर में आ रही है। और इसके कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं कि जिमनी में मुझे कैसे जाना है, तो यार ये देखिए जिमनी तो इतनी ज़्यादा सिंपल है कि आप आराम से चले जाएंगे, बहुत ही आराम से। आपके पेरेंट्स भी, आपने साड़ी पहनी है आप, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हर किसी के लिए बहुत सुपर कंफर्टेबल है। सिटिंग के मामले में ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी आपको ये कार। कम्फर्ट की बात करूँ, सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल, बहुत कुछ नहीं है, अच्छा खासा आपको कम्फर्ट फील होता है। थोड़ा आपको साइज़ कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा थार सीट्स, लेकिन बावजूद उसके भी आप कम्फर्ट को फील करते हैं यहाँ पर। उसमें अगर मैं सीट्स को देखूँ, फ्रंट पे देख लीजिए, तो देखिए सीट्स का जो साइज़ है वो इसमें काफ़ी बड़ा है, और जिसकी वजह से ना गाड़ी बहुत ह्यूज सा लुक देती है इंटीरियर में भी आपको। उसके कंपैरिजन में आप जिमनी का अगर सीट्स को देखेंगे तो थोड़ी सी छोटी आपको लगेगी। अगर मैं कंफर्ट वाइज बात करूं कि बैठने में कौन सी गाड़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगी, उसके लिए मैं आपको बता देती हूं कि सीट्स इसमें बड़े साइज़ की हैं, ज़्यादा आपको अंदर से भी गाड़ी माचो लगती है, ये थोड़ी सोफेस्टिकेटेड सी लगती है, सीट्स थोड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन इसके अंदर कुशनिंग इतनी प्रॉपर की गई है कि आपको यहाँ ज़्यादा कम्फर्ट फील होगा एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा थार। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, आपको एंटीना इस तरीके से दिया गया है। महिंद्रा थार में आपको वो सेंसर की फॉर्म में मिलता है, आपको पता ही आपके एंटीनाज होते हैं, ये वाला भी और उस साइड भी, ये आपका एंटीना है जिसकी हेल्प से आपके रेडियो के सिग्नल्स वगैरह आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि ऑफ रोडर व्हीकल है, आप कहीं पर भी ले जाते हैं बिना सोचे समझे, तो ये कहीं ना कहीं फंस के टूटने के चांसेज हैं। अब आपको इंटीरियर पैनल्स दिखा देते हैं दोनों के, जो हमारा डैशबोर्ड पैनल है वो देख लीजिए। स्टेयरिंग आपको मिलता है जिमनी में कुछ ऐसा, आपको स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल मिल रहे हैं इसके अंदर, क्रूज कंट्रोल इज़ गिवन, और आपका डिस्प्ले है कुछ ऐसा, ज़्यादातर आपको एनालॉग रीडिंग्स ही मिलती हैं, आपका इंफोटेनमेंट ऐसा है। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस हैं, और आपके नीचे की साइड में एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं, आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है इस कार में, आपके पास हिल डिसेंट है, और टोटल प्रोफाइल इज़ लाइक दिस। आप देखते हैं हमारा महिंद्रा थार का इंटीरियर कैसा है। इसका डैशबोर्ड लेआउट आपको मिलता है कुछ ऐसा, अगेन मैं बता देती हूँ आपको भैया, मैंने इसमें ये चेंज कराए हुए हैं, ये आपको नॉर्मल मिलते हैं जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आपको उस टाइप के एसी माउंट्स मिल जाते हैं। जो डिफरेंस एकदम से आपके नोटिस में आएगा वो आएगा जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिमनी में, वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा थार, यहाँ पे ये छोटू सा आपको मिलता है। दूसरा, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिल रहा है जो आपको जिमनी के अंदर दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट आपके सेम हैं। और जो इसका डिस्प्ले है ये आपको कलरफुल मिलती है, तो ये थोड़ा सा मतलब इंफोटेनमेंट आपको उसका ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको महिंद्रा थार का पसंद आएगा। बाकी जो हमारा स्टेयरिंग है ये आपके क्रूज कंट्रोल के साथ आता है, और ये आपका लेदर रैप नहीं है अनलाइक जिमनी। ट्रैक्शन कंट्रोल आपके पास है इस कार में, हिल डिसेंट कंट्रोल आपके पास है, ऑफ रोडिंग के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब यहाँ पर है। ये आपको गियर दिया होता है अलग से, जैसा उस कार में भी आपको मिलता है, वो आपका फुल ऑन ऑफ रोडिंग के लिए। अब बात करते हैं कुछ कॉमन चीज़ों की। ये गाड़ी आपको थार जो है हमारी है, ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। जिमनी भी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर बात करेंगे तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इन दोनों गाड़ियों के अंदर गिवन है। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो थार आपकी 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, जबकि जिमनी आपकी जस्ट 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन की। महिंद्रा थार में हमारे पास 3 इंजन ऑप्शन है और जिमनी के अंदर हमारे पास सिर्फ 1 इंजन ऑप्शन है। ये गाड़ी सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलती है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जबकि महिंद्रा थार आपको वाइड स्पेक्ट्रम देता है चूज़ करने के लिए। अगर आप इस कार को ख़रीदते हैं डीजल में तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, 1.5 लीटर डीजल एंड 2.2 लीटर डीजल। और अगर आप ख़रीदेंगे इसे पेट्रोल में, जो हमें सिर्फ जिमनी मिल रही है उसी में, तो यहाँ पर 2 लीटर पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है, जबकि जिमनी में आपका 1.5 लीटर
पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया। आइए हुड ओपन करते हैं, वहाँ पर मैं आपको इन दोनों कार के पावर स्पेक्स बताती हूँ। आप देखिए, ये तो मेरी गाड़ी है, तो मैं आपको बता देती हूँ भैया, इसका हुड खोलना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना भारी है ये, इसे खोलना बहुत मुश्किल है। पहले आपको इसको साइड्स में से खोलना पड़ता है, फिर अंदर से आप इसे ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको स्ट्रगल करना पड़ता है ओपन करने के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसे ओपन करना। और इसी के साथ अगर मैं जिमनी की बात करूँ तो देखिए, जिमनी में मैंने सिंपली अंदर से ओपन किया है और अब मैं इसको इस तरीके से बहुत ईजिली ओपन कर दूँगी और ये हमारा लग जाएगा यहाँ पर। तो ये बहुत इजी ओपनिंग है इसके हुड की। एक यहाँ पर एक और चीज़ हमारे सामने आ गई है। अब हम मैंने आपको बताया इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल है, इसमें 2 लीटर पेट्रोल है। डीजल इंजन के इसके बात करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये गाड़ी आपको जो पावर देगी दैट इज़ 103 BHP और जो आप अचीव करोगे 6000 RPM पे, और जो टॉर्क आपको मिलता है वो आपको मिलेगा 134 Nm का, जिसे आप अचीव करेंगे 4500 RPM पे। और महिंद्रा थार की अगर आप बात करेंगे तो इस कार के अंदर आपको 150 BHP की पावर मिल जाती है और 320 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है आपको महिंद्रा थार। तो पावर स्पेक्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इंजन बड़ा है इस गाड़ी में, तो इसलिए यहाँ पर पावर और टॉर्क हमारी ज़्यादा है। वेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो थार का वेट है आपका 1750 kg और जिमनी का हमारा वेट 1200 kg से कम है, तो वेट ऑब्वियसली इस गाड़ी का काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पावर टू वेट रेशो की, तो वहाँ पर ये दोनों गाड़ियाँ कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल प्रूफ करती है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि ऑफ रोडिंग अगर आप करते हैं, चाहे आप थार से कर लीजिए चाहे आप जिमनी से कर लीजिए, कहीं पर भी कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को हरा नहीं सकती है। ये गाड़ी भी इक्वली कैपेबल है महिंद्रा थार के, और ये तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडर है ही, आपको पता है। फ्यूल टैंक की अगर आप बात करेंगे तो इसका फ्यूल टैंक है 40 लीटर्स का और इसका फ्यूल टैंक है आपका 57 लीटर्स का। ये गाड़ी आपको माइलेज देती है 13 से लेकर 15 तक की, और इसका माइलेज एज़ पर मारुति 16 है, तो उसको हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कितना आता है। प्राइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारी महिंद्रा थार है उसको हम 4x4 लेंगे और पेट्रोल लेंगे, तो ये आपकी 13,80,000 से अप्रॉक्सीमेटली 16,90,000 तक जाती है। और जिमनी का अभी ऑफिशियल रेट अनाउंस हुआ नहीं है, तो इस कार का प्राइस मुझे आइडिया नहीं है कितना होगा। लगता है कि 16 लाख तक इसका टॉप वेरिएंट जाना चाहिए, थोड़ा एक्सीड भी कर सकता है। मतलब प्राइस के हिसाब से दोनों गाड़ियाँ कहीं ना कहीं बराबर सी रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी एडवांटेज आ गई है, लेकिन वो 4x2 में आई है, जो थोड़ी सस्ती आपको गाड़ी मिलने लग गई है। 4x4 पेट्रोल में तो यार अच्छी खासी टक्कर देंगी दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं सेफ्टी की। इस कार के अंदर जिमनी में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, महिंद्रा थार में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। डिस्पाइट दैट इट्स सेफ्टी रेटिंग इज़ 4, एनकैप सेफ्टी रेटिंग इस कार को 4 मिल चुकी है, इसकी अभी टेस्टिंग हुई नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग बात कर नहीं सकते हैं। बट एयरबैग्स के मामले में आपको मैंने बता दिया इसमें 6 हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 हैं, लेकिन एनकैप स्टार 4 रेटेड व्हीकल है महिंद्रा थार। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी दोनों कार्स जिसके ऊपर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, सबका दिमाग घूमा हुआ है, थार लें जिमनी लें क्या लें क्या करें। तो भैया जितना मुझे समझ आया, जितनी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, ऑफ रोडिंग की भी डिटेल में घुस घुस के आपको हमने चीज़ें समझाई हैं। अगर अभी भी तुम्हारे कोई डाउट रह गए तो खुद पढ़ लो, नहीं नहीं मुझे मेल करके पूछ लेना या फिर कमेंट करके पूछ लेना, बताएंगे आपको वो भी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग कार के साथ या फिर ऐसे ही कुछ सुपर अमेजिंग कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए आप सबको पता है क्या करना है, अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। लव यू ऑल।